हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैं आपके साथ में होम वर्कआउट लेवल 1 वीक 3 शेयर करने जा रहा हूँ। इस वर्कआउट में 3 मिनी सर्किट्स हैं जिन्हें हम 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। हर मिनी सर्किट में 3 एक्सरसाइज हैं जिन्हें हमें बैक टू बैक करना है और 1 मिनी सर्किट कंप्लीट करने के बाद में हम 1 से 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। मिनी सर्किट 1, इसकी पहली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग लेग रेजेस लेटरल 15 रेपिटेशन ईच लेग। इसके लिए हम शोल्डर विड्थ गैप में हम खड़े हो जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम अपने लेग को साइड में रेस करें और कोशिश होगी कि हम शोल्डर हाइट या हम उसके ऊपर उसको रेस कर पाए। ओके, दिस वे। फिफ्टीन रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर हम लेग चेंज करेंगे अदर लेग। दोनों लेग में 15-15 रेपिटेशन खत्म होने के बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कैट कैमल 5 सेकंड्स होल्ड, उसके हम 2 सेट करेंगे दिस वे। ओके, ऑन टू द नीज। नीज के बीच में शोल्डर विड्थ गैप रहेगा, नीज हमारे एग्जैक्टली हिप के नीचे रहेंगे, पाम्स हमारे शोल्डर के नीचे रहेंगे और हमें अपनी लो बैक को, लंबर स्पाइन को हमें टू द फ्लोर पुल करना है। नीचे हम उसको पुश करेंगे दिस वे। 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद न्यूट्रल यानी कि बैक हमारी एकदम फ्लैट रहेगी। 5 सेकंड्स होल्ड करेंगे यहाँ पे हम। 5 सेकंड्स होने के बाद में फिर हम नेक्स्ट पोस्चर में चले जाएंगे, अपर बैक को हम टूवर्ड सीलिंग पुश करेंगे और हेड हमारा डाउन होगा लुकिंग एट द नीज। इस पोस्चर को हम 5 सेकंड होल्ड करेंगे और 5 सेकंड के बाद में बैक वापस से न्यूट्रल या फ्लैट पोजीशन में आ जाएगी और इसे हम एक बार और रिपीट करेंगे। इस मिनी सर्किट की आखिरी एक्सरसाइज है सुमो स्क्वाट्स विद और विदाउट सपोर्ट 20 रेपिटेशन। उसके लिए हमें वाइड स्टांस में आना होगा, हाथ हमारे फोरआर्म क्रॉस होके शोल्डर्स के ऊपर में आ जाएंगे और हम हिप्स को पीछे लेते हुए नीचे ले जाएंगे मैक्सिमम डेप्थ में और ऊपर राइज करके आएंगे। जब हम नीचे जाएंगे तो ब्रीदिंग करेंगे और ऊपर आएंगे तो ब्रीद आउट। इस मिनी सर्किट के हम तीन से चार बार हम इसको रिपीट कर सकते हैं और हर मिनी सर्किट के बीच में 102 मिनट का रेस्ट रहेगा। मिनी सर्किट 2, इसकी पहली एक्सरसाइज है हाई नीज फॉर 20 सेकंड्स बाय द क्लॉक। इसके लिए हम शोल्डर विड्थ गैप में खड़े हो जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम नीज को लगभग हम हिप हाइट तक हम उनको लाएं और फिर रनिंग ऑन द स्पॉट दिस वे। आर्म्स को आप स्विंग कर सकते हैं और मे बी यू कैन ऑल्सो होल्ड ऑन योर हिप्स, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप कर सकते हैं। स्पीड आपके फिटनेस लेवल के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर 20 सेकेंड हाई नीज करने के बाद में अगली एक्सरसाइज है हमारी सुपरमैन 15 रेपिटेशन। उसके लिए हमें मैट रेडी करना होगा। मैट के ऊपर हम बैली के ऊपर आ जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, हैंड्स ओवर हेड विद द ईयर्स, पैर हमारे स्ट्रेट रहेंगे, कोशिश करेंगे हम लेग्स को स्ट्रेट ही रखें और टोज रनिंग अवे फ्रॉम द बॉडी और हमें ऊपर लिफ्ट करना है और कंट्रोल वे में हम नीचे आएंगे। 15 रेपिटेशन, ऊपर जाएंगे तो ब्रीद आउट, नीचे आएंगे तो ब्रीद इन। ये एक्सरसाइज आपके बैक के लिए बहुत अच्छी है। फिफ्टीन रेपिटेशन होने के बाद अगली एक्सरसाइज है हमारी पुशअप्स। डिपेंडिंग ऑन आपके क्या फिटनेस लेवल है आप फुल लेंथ या हाफ लेंथ आप कर सकते हैं 12 से 15 रेपिटेशन। यदि आपकी क्षमता ज्यादा करने की है तो प्लीज गो अहेड। ओके, आई विल शो, मैं आपको डेमो में नी लेंथ में आपको शो करूंगा नी पुशअप्स। ओके, ऑन टू द नीज। पाम हमारे शोल्डर विथ गैप में आ जाएंगे शोल्डर के नीचे और हम एक प्लैंक पोजिशन ले लेंगे ताकि हमारे शोल्डर हिप्स और नीज स्ट्रेट लाइन में आ जाए। ब्रीदिंग के साथ हम नीचे जाएंगे
और फ्लोर को पुश करते हुए हम ब्रीद आउट के साथ ऊपर आ जाएंगे। बारह से पंद्रह रिपीटेशन और मेबी मोर आपके फिटनेस लेवल के हिसाब से। इस मिनी सर्किट को हम तीन से चार बार रिपीट कर सकते हैं और एक मिनी सर्किट खत्म होने के बाद हम एक से दो मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। मिनी सर्किट नंबर थ्री, इसकी पहली एक्सरसाइज है स्पीड जैब्स 15 रेपिटेशन ईच हैं। उसके लिए हम शोल्डर विड्थ गैप में हम खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले हमें पंच बनाना होगा। सो पंच को हम इस प्रकार से बनाएंगे, फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड फोल्ड और फिंगर्स को हम थंब से लॉक कर लेंगे। ओके, बोथ द हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर फेस, लगभग चिन के सामने आ जाएंगे और यहाँ से हमें अपने अपोनेंट को अपनी निकल से हमें हिट करना है, यानी कि हमारा जो पंच है वो रोटेट होगा, पाम फेसिंग डाउन हो जाएगा। हिट करने के बाद में, इंपैक्ट के बाद में हम वापस से विड्रॉ कर लेंगे पंच को, लेकिन ये स्पीड के साथ हमें करना है। 15 रेपिटेशन ईच हैंड लाइक दिस। फिफ्टीन रेपिटेशन होने के बाद में फिर हम दूसरे हाथ से जैब्स थ्रो करेंगे। इंपैक्ट के टाइम ब्रीद आउट करना ना भूलें, अपने नीज को थोड़ा सा बेंड रखें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड और पावर जनरेट कर पाए। पहले एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में अगले एक्सरसाइज है हमारी बेंट नी क्रंचेस या बेंट नी सिटअप्स, उसको हम मैट के ऊपर में करेंगे। इस प्रकार से बैक के ऊपर हम मैट के ऊपर लेट जाएंगे। ओके, हिप विड्थ गैप बिटवीन नीज एंड फीट, हाथ हमारे साइड में रह सकते हैं और मेबी हैंड्स हम यहाँ पे अपने फोरहेड पे हम रख सकते हैं। हमें नेक को पुल नहीं करना है, ध्यान रहे हमें नेक को पुल नहीं करना है। ओके, हैंड्स जो हाथ है हमारे वो हमारे फोरहेड पे रहेंगे और टकिंग करेंगे पहले हम बैली बटन को इनसाइड और उसके बाद में फिर हम एब्स को स्क्वीज करेंगे ऊपर आने के साथ। कंट्रोल मैनर में नीचे जाएंगे, इसके हम 20 रेपिटेशन कर सकते हैं। 20 रेपिटेशन खत्म होने के बाद हमारी जो आखिरी एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट विथ अल्टरनेट लेग रेजेस टू द फ्रंट। इसका मतलब पहले एक स्क्वाट होगा और हम उसे राइट लेग से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो राइट लेग हमारा लेग रेज करेंगे, फिर उसके बाद स्क्वाट होगा, फिर अगेन दूसरा पैर यानी कि लेफ्ट लेग हमारा रेज होगा। ओके, वी डू दिस वे, स्क्वाट 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 स्क्वाट। दस दस रेपिटेशन दोनों पैर में होने के बाद में हमारा मिनी सर्किट ये कंप्लीट होगा और हम एक से दो मिनट का रेस्ट लेंगे। इस मिनी सर्किट को हम तीन से चार बार रिपीट कर सकते हैं। डन फॉर द डे, थैंक यू।